पहले हम इंटीरियर मसल्स को ट्रेन करने जा रहे हैं। इंटीरियर को ट्रेन करने के लिए आपको वेट को लेना है बारबल में, बारबल में प्लेट लगानी है अपने बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से, और जितना वेट आप लिफ्ट कर सकते हैं वो ऐसे लीजिए। और ये आपका फ्रंट शोल्डर प्रेस, बारबल से इसको लगाते हैं। मैक्सिमम आप इसे 10 से 15 रेप लगा सकते हैं। इसमें ये ऐसे ले जाना है पूरा ऊपर और पूरा नीचे, आपके शोल्डर के इंटीरियर पे लोड आता है इंटीरियर मसल के लिए। ब्रीथ पे पूरा ध्यान दीजिएगा, वेट जब ऊपर ले जाएंगे तो ब्रीथ आउट, नीचे रिलैक्स। तो लेटरल के लिए अगर आप उससे नहीं कर पा रहे तो आप डंबल से लगा सकते हैं। डंबल से आपको ऐसे शोल्डर के पैलर रखना है, तो वेट ज़्यादा इससे हैवी लिफ्ट नहीं करना है, इंजरी के चांसेस पे ज़्यादा होते हैं। आपको शोल्डर के पैलर ला के होल्ड करना है स्लो नीचे ये। पेक डेड फ्लाई रिवर्स मशीन होती है, अगर ये मशीन आपके जिम में अवेलेबल हो तो आप इस पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा आता है। तो इस पे आपको लगाने के लिए आपको ऐसे बैठना है और फोरहेड को आगे रखना है, और हाथ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा स्ट्रेट नहीं करना है और ना ही ज़्यादा मोड़ के पीछे लाना है, हल्का सा कर्म होगा। और ये पीछे आप देख सकते हैं पोस्टीरियर मसल्स पे पूरा लोड आता है, आपको पूरा आगे ले जाना है, पूरा पीछे फ्लेक्स करना है, बॉडी के पैलर उसके पीछे भी ज़्यादा नहीं ले जाना। रोप लेना है अगर आपके जिम में अवेलेबल हो तो, और रोप को लेके ये लेना है, ये आपको इस तरह परफॉर्म करना है, फोरहेड तक आपका रोप आएगा, ना ही उसके ऊपर ना ही नीचे, और बैक मसल्स पे शोल्डर का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसके पीछे फील करना है। हमारी जो शोल्डर की हेड है तीन भागों में डिवाइड होती है, इंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर की एक्सरसाइज है। बॉडी को ज़्यादा वो नहीं करना है, स्विंग नहीं करना है, वेट को स्लोली लाना है होल्ड, ये पूरा लोड आपके लेटरल पार्ट पे आएगा।